चित्तौड़गढ़ जिले का छोटा सा शहर रावतभाटा यूं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। अब कुछ दिनों से किसी और वजह से चर्चा में आ गया है, जब पैंथर का शिकार करते वक्त खुद हादसे का शिकार हो गया शख्स। जाबाज ने कुएं में गिरे पैंथर को बचाने के लिए लगा दी अपनी जान की बाजी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं कभी कभी शिकार खुद शिकारी के लिए मुसीबत बन जाता है। ऐसी ही एक घटना रावतभाटा के चैनपुरा गांव में देखने को मिली, जहां एक पैंथर ने अपने शिकार के लिए एक बंदर को निशाना बनाया और पैंथर ने शिकार के पीछे दौड़ लगाई। शिकार ने बचने के लिए दौड़ लगाई और चैनपुरा गांव में जंगल के नज़दीक खेत में दौड़ते हुए कुएं में जा गिरा। वहीं शिकार के पीछे पैंथर भी कुएं में जा गिरा। शिकार और शिकारी दोनों की जान आफत में आ गई और जब खेत मालिक भैरूलाल ने कुएं के अंदर बंदर और पैंथर को देखा तो भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण अधिकारी दिनेश नाथ को सूचना दी, जिस पर दिनेश नाथ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कुएं का मौका मुआयना करने के बाद कुएं में लोहे की सीढ़ी लगाई गई, बंदर और पैंथर कुएं से बाहर आ सके, मगर करीब 3 घंटे के बाद भी पैंथर और बंदर कुएं से बाहर नहीं निकले। तब वन्यजीव अधिकारी दिनेश नाथ ने कोटा बायोलॉजिकल पार्क को संपर्क किया और वहां से पैंथर का रेस्क्यू करने के लिए डॉक्टर विलास राव अपनी टीम के साथ रवाना हुए। वहीं रावतभाटा की वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम से आसिफ टीपू भी मौके पर पहुंचे। पहल फाउंडेशन से हरपाल पाली मौके पर पहुंचे और वन विभाग की टीम के साथ पैंथर का सुरक्षित रेस्क्यू करने लगे। इस दौरान करीब 1 घंटे बाद बंदर सीढ़ियों से होता हुआ कुएं से बाहर निकल आया। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण वन अधिकारी दिनेश नाथ और डॉक्टर विलास राव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें वनपाल नवाब सिंह, वनकर्मी रजत खटिक, विनोद यादव, महावीर मीणा, रवि लौट, मनोज शर्मा, रावतभाटा वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम से मोहम्मद आसिफ टीपू एवं हरपाल पाली को टीम में लिया गया। मानसिक स्थिति ऐसी स्थिति आ गई थी कि अब क्या होगा, लेकिन उस स्थिति को भी आपने इतना अच्छा से कमान दिया, आपने टीम गठित की और इस सफल बनाया इस रेस्क्यू को। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि जाल के अंदर दोनों पैंथर और ये टीपू दोनों आसिफ टीपू दोनों थे, तो आप उस पल को उस बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसा आपको क्या लगा कि क्या हो सकता है? तो देखो पहले बताया मैंने टीपू पे पूरा विश्वास, पैंथर से ज़्यादा टीपू पे विश्वास था कि यार ये कर लेगा। नीचे डोट साहब भी थे, हमारे स्टाफ पूरा मौजूद था और जैसे ही वो उसको डोट मारा वो बेहोश होने लगा तो टिप्पू भाई ने नीचे से पुश करके उसको जाल में डाला। जब हमने उसको डोट मार के बेहोश किया 5-10 मिनट वो वहाँ रहा और वो गिरने लगा तो हमें लगा कि यार कुछ करने योग्य है। तो इधर से नीचे देखा तो टिप्पू भाई नीचे कूद गए थे, कुएँ में कूद गए थे और उसको ऊपर पुश करके जाल पे डाला और फिर जाल के बाद हमने आराम से उसको खींचा, टिप्पू भाई को बाहर निकाला, उसको धन्यवाद दिया। और ये सक्सेस में टिप्पू भाई का फुल हाथ है और पूरे स्टाफ का हाथ है। पैंथर को पकड़ने के लिए कुएं में पिंजरा उतारा गया, मगर कुएं में पानी अधिक होने से पिंजरा पानी में डूब गया। टीम के पास पैंथर को ट्रैंक्विलाइज करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहा, मगर कुएं में पानी ज्यादा होने से पैंथर को ट्रैंक्विलाइज करना रिस्की था। इसी दौरान डॉक्टर विलास राव और वन अधिकारी दिनेश नाथ के निर्णय पर दो युवकों को पानी में उतारने का निर्णय लिया गया, जिससे ट्रैंक्विलाइज करने के दौरान पैंथर पानी में न गिर जाए। ऐसे में वन विभाग से नवाब सिंह और रावतभाटा में वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू के मोहम्मद आसिफ टीपू को चुना गया। पैंथर को 100% डोज नहीं देना था, सिर्फ 70% ही देना था। ऐसे में पैंथर होश में रहता है। डॉक्टर विलास राव के साथ आसिफ टीपू और नवाब सिंह सीढ़ियों से कुएं के आधे रास्ते पर पहुंच गए। अब पैंथर को ट्रैक्यूलाइज किया जाना था, जिस पर डॉक्टर विलास राव ने पैंथर को 70% डॉट दिया। वहीं डॉट लगाने के कुछ मिनट बाद पैंथर को कुएं में लगे जाल पर गिराना था, मगर पैंथर कुएं की चिकनी मिट्टी पर पकड़ नहीं बना पाया और कुएं के गहरे पानी में गिर गया। अब इस पैंथर की मौत निश्चित थी, मगर इस दौरान वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम के आसिफ टीपू ने जब देखा कि पैंथर पानी में सही से तैर नहीं पा रहा है तो आसिफ टीपू ने अपनी जान की परवाह
न करते हुए सीढ़ियों से कुएं के पानी में छलांग लगा दी। अब आसिफ टीपू ने पैंथर की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए पैंथर के साथ पानी में भी तैरने लगे और पैंथर को पकड़ के जाल के ऊपर पुश करने लगे। इस दौरान पैंथर एक बार तो पानी के अंदर गुम होने लगा, मगर टीपू ने हिम्मत नहीं हारते हुए पानी के अंदर जाकर पैंथर का एक पैर पकड़ के धक्का मारते हुए उसे सतह पर ले आए। वहीं डॉक्टर विलास राव ने टीम के मोहम्मद आसिफ टीपू को पैंथर की जान बचाने पर सबके सामने सम्मानित करते हुए 500 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया। ऑपरेशन में, इस मिशन में सभी ने अपना अपना रोल योगदान दिया है, जिसको जो टैलेंट था, जिसमें जो नॉलेज थी उस हिसाब से। लेकिन इस मोहम्मद भाई साहब ने बहुत ही बेहतरीन रोल अदा किया और इन्होंने मेरे साथ, आपने देखा होगा कि जैसे वो पानी में फ्लोट कर रहा था, तुरंत पानी में रिस्क लेके इन्होंने स्विमिंग करके उसको जाल में पुश करने की कोशिश की। मैं इस ओकेजन पर इनको मेरी तरफ से 500 रुपए का गिफ्ट भी देना चाहूँगा। लो, और ऐसे जांबाज लोग जो प्रेजेंस ऑफ माइंड से और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए काम करते हैं, तो हमारा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि वो नाजुक पल होते हैं, वो कुछ सेकंड्स होते हैं जिसमें या तो एनिमल मर सकता है या जी सकता है। तो इन्होंने बहुत बेहतरीन रोल अदा किया। दूसरा भी एक बंदा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाया और वो पानी में नहीं कूद पाया था, और मुझे तैरना नहीं आता था इसलिए मैं पानी में नहीं उतरा, मुझे स्विमिंग नहीं आती, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन रोल अदा किया और मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। वह डॉक्टर विलास राव ने रावत भाटा वन विभाग की रेस्क्यू टीम का आभार जताया। रेस्क्यू के दौरान डॉक्टर विलास राव के साथ भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण टीम से वन अधिकारी दिनेश नाथ, राजेंद्र चौधरी, रजत खटिक, महावीर मीणा, नवाब सिंह, रवि लॉट, मनोज शर्मा, कमल प्रजापत, वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम से मोहम्मद आसिफ टीपू ने सहयोग किया। आसिफ टीपू के इस साहसिक कार्य पर बेगू विधायक राजेंद्र सिंह, विधुड़ी नगरपालिका अध्यक्ष दीपिका तिलानी, नगरपालिका पूर्वाध्यक्ष धर्मेंद्र तिलानी ने एक समारोह के दौरान आसिफ टीपू को 5,000 का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सभी ने टीपू के इस साहसिक कार्य की काफी सराहना की।